और आसान कर देता मैं आपके लिए और आसान कर देता इस कुरान को उठाकर देखें आप तो कुरान को मानने के दावेदार हैं ना आप कहते हैं ना हम इस कुरान को मानते हैं आप इस कुरान को मानने के दावेदार हैं इस कुरान में क्या लिखा हुआ है इस कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हारा अब्बा इब्राहिम है लिहाजा हर तरफ से कट कर हर तरफ से कट कर इब्राहिम की मिलत पर कायम हो जाओ मिलत किसे कहते हैं मिलत कहते हैं जैसे इब्राहिम ने जिंदगी गुजारी जैसे इब्राहिम ने हक पहचाना जैसे इब्राहिम पैदाइश से लेकर मौत तक दुनिया में रहा बिल्कुल वैसे तुमने करना है यह है इब्राहिम की मिलत अब जरा इब्राहिम की जिंदगी में गौर करें क्या इब्राहिम ने वही किया था जो हम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं गौर करें जरा अगर तो जो आप कर रहे हैं यही इब्राहिम ने किया तो फिर आप इब्राहिम की मिल्ल पर हैं और अगर आप जो कर रहे हैं ये इब्राहिम ने नहीं किया तो फिर इब्राहिम की मिल्त कैसे हो सकती है और आप किस तरह इब्राहिम की मिल्ल पर हो सकते हैं फिर आप कुरान का कुफर करने वालों में से नहीं है और यही बात इस कुरान में लिखी हुई है कुरान कह रहा है कि जो अक्सरियत है अक्सरियत है वो कुरान का गफर कर रही है अक्सरियत अक्सरियत जो है वो जबान से तो कहती है हम कुरान की बात मानते हैं लेकिन अमलन नहीं मानते कुरान के करीब भी नहीं आते कुरान कह रहा है कि जितना इस कुरान के करीब लाया जाता है ये उतना दूर भागते हैं जितना इनके ऊपर कुरान बन गया था खोला जाता है उतना कुरान से दूर भागते हैं अच्छा अब इब्राहिम की मिलत किया इब्राहिम ने क्या किया था इब्राहिम पैदा हुआ बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पैदा हुए हैं इब्राहिम पला बड़ा ऐसे ही जैसे आप पलते आम आ, आप पलते बढ़ते हैं ये काम बशर जो है वो पलता बढ़ता है जैसे आप पैदा होते हैं तो बचपन में सौ फीसद पैदा पैदा होते ही सौ फीसद वालदेन के या बड़ों को मोहताज होते हैं बिल्कुल इस तरह इब्राहिम भी मोहताज था जो वालदेन या जो जिनका मोहताज था इब्राहिम जो वो खिलाते थे वही खाता था जो वो पिलाते थे वही पीता था जो वो पहनाते थे वही पहनता था जब पैदा हुआ सौ फीसद उनका मोहताज था एक राई बराबर भी का कफील नहीं था लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वक़्त गुजरता गया बड़ा होता गया तो इब्राहिम खुद मोहतार होता गया तो जिस कदर इब्राहिम खुद मोहतार होता गया उस कदर अपने बड़ों की मोहताजी उसकी खत्म होती गई ठीक है जी अब होता क्या है एक वक्त आता है कि जब इब्राहिम मुकम्मल तौर पर बाहतियार हो जाता है वो खा खुद रहा है खाने के लिए वालदेन का या बड़ों का मोहताज नहीं है पीने के लिए बड़ों का, का मोहताज नहीं है चलने के लिए बड़ों का मोहताज नहीं है सुनने के लिए देखने के लिए खाने के लिए पीने के लिए, लिए पहनने के लिए हर लिहाज से वो खुद मोहतार हो चुका है लेकिन वो देखता है वो कहता है कि भाई मेरा आने का दुनिया मैने का मकसद क्या है मुझे दुनिया में लाया गया बड़ा किया गया जब मुझे इतना बड़ा कर दिया मेरा मकसद क्या है अब जब मकसद को तलाश करना शुरू किया तो देखा कि भाई वो कह रहा है ये मकसद है यानी दीन ये है वो कह रहा है दीन ये है वो कह रहा दीन और हर का मामला क्या है हर एक का मामला यह है कि हर एक यही दावा कर रहा है कि जो मेरा दीन है यही हक है बाकी सारे बादल हैं बाकी गुमराह हैं हमारा फिरका मेरा फिरका हक हाँ पर है बाकी सारे गुमराह है इब्राहिम देखता है कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे ही हक हाँ पर हूं सारे के सारे हिदायत जाता हूं सब के सब के पास हक हाँ हो क्योंकि हक हाँ तो कोई एक ही हो सकता है या तो इनमें से कोई एक हक हाँ पर है या फिर ये सारे के सारे ही बातल हैं किसी एक को भी हक हाँ का नहीं लग अब इब्राहिम कहता है कि भाई ये कैसे पता चलेगा हक क्या है इब्राहिम देखता है कि मैं किसे हक कह रहा हूं तो इब्राहिम देखता है भाई मैं उसे हक कह रहा हूं जिस पर मैंने अपने बड़ों को पाया अच्छा वो हक जो है जिसे हक कह रहा है वो किस बुनियाद पर कह रहा है वो उसी बुनियाद पर इसको हक कह रहा है इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं किस बुनियाद पर हर किसी का यह कहना है कि भाई हमने अपने बड़ों को अपने अबाविजदाद को इस दिन पर इस पर पाया इस वजह से यही हक है अब इब्राहिम गौर करता है इब्राहिम देखता है कि भाई मैं आज सही क्या है गलत क्या है मैं तो खुद मुख्तार हो चुका हूं इसके बावजूद भी मैं आज भी यानी बाकी मामला में मैं खुद मुहतारी का ऐलान कर रहा हूं खुद मुहतारी का दावा कर रहा हूँ खा खुद रहा हूं पी खुद रहा हूं देख खुद रहा हूं सुन खुद रहा हूं चल रहा हूं सब कुछ खुद कर रहा हूं लेकिन जहां पर सही और गलत की बात आती है जहां पर दुनिया में आने का मकसद आता है यहां पर मैं आज भी अपने बड़ों का मोहताज हूं बावजूद इसके कि मैं बाशर हो चुका हूं मेरे मैं खुद मोहतार होने के बावजूद आज भी मैं उनका मोहताज बना हुआ हूं मैं आज भी उसी को सही कह रहा हूं जिसे उन्होंने सही कहा मैं आज भी उसी को गलत कह रहा हूं जिसे उन्होंने गलत कहा तो मुझ में और बाकी में फर्क क्या रह गया और क्या यह हक होने की बुनियाद हो सकती है दलील हो सकती है नहीं अगर ये हक होने की बुनियाद है यह हक होने की दलील है तो इस बुनियाद पर तो सारे हक साबित हो जाते हैं लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता सारे हक पर हूं आपस में इख्तलाक भी कर रहे हूँ और हक पर भी हूं यह तो मुमकिन नहीं लिहाजा इब्राहिम ने गौर किया कि जिसने मुझे वजूद में लाया है वो जो भी है वो बाद की बात है लेकिन क्या उसने जैसे बाकी मामला मुझे खुद मोहतार कर दिया है उन मेरे बड़ों के मोहताजी से मुझे निकाल दिया है मुझे खुद मोहतार बनाया है आज़ाद कर दिया है उसी तरह ये जो सही और गलत है इसकी पहचान करना इसका फैसला करने की सलाहियत मुझे दी है या नहीं दी मुझे आजाद किया या नहीं दिया इस मामले में बड़ू का बड़ू से तो इब्राहिम देखता है भाई मैं तो बाशर हो चुका हुआ हूं सही किया है और गलत किया है मैं तो इसका फैसला करने की सलाहियत रखता हूं जब मेरे रब ने मुझे यह सलाहियत दे दी है जब मेरे अंदर यह सलाहियत आ चुकी हुई है इसके बावजूद भी मैं अपने बड़ों को यानी उसी को सही कहता हूं उसी को गलत कहता हूँ जिसको जिसके ऊपर मैंने बड़ों को पाया जिसको मेरे बड़े सही और गलत कहते हैं तो मैं क्या कह रहा हूं मैं तो अपने अमल से ऐलान कर रहा हूं कि नहीं जी मैं बाशर नहीं हूं अभी मुझे शाउर नहीं दिया गया अभी मैं सही और गलत का फैसला बचपन में मैं अगर जिसे उसे ही सही कहता रहा जिसको मेरे बड़ों ने कहा उसे ही गलत कहता रहा जिसे मेरे बड़ों ने कहा तो मेरी मजबूरी थी मैं उनका मोहताज था आज मोहताज तो नहीं हूं ना तो इब्राहिम ने क्या किया इब्राहिम ने सबसे पहले अपने गिरेबान में झांका इब्राहिम ने सबसे पहले उस दिन के ऊपर नजरसानी की जिस पर उसने अपने बड़ों को पाया जिसको उसके बड़े सही कह रहे थे और गलत कह रहे थे सबसे पहले इब्राहिम ने उसके ऊपर गौर किया उसमें गौर किया उसको देखा उसको परखा तो जब इब्राहिम ने गौर फिक्र किया तो पता चला कि जिसको उसके बड़े हक कह रहे हैं वो तो गुमराहियां हैं। तो कुरान में क्या है कुरान में ये है कि इब्राहिम ने अपने अब्बा को कहा कि अब्बा तू शिरक कर रहा है जिस दिन पर तू है यह हक नहीं है ठीक है इब्राहिम ने यह नहीं देखा कि भाई इसने मुझे पाला पोसा है ठीक है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है तो मैं अगर इसे ऐसी बात करूंगा तो यह हर्ट होगा इसको तकलीफ होगी नहीं या फिर इब्राहिम ने यह नहीं किया भाई ये तो इसने मुझे पाला पोसा है इतनी मेहनत से लिहाजा मैं इसके बदले में जिसे ये हक हाँ कह रहा है उसे आंखें मांग करके मानता रहा हूं ना ये नहीं किया वो उसने एहसान किया है वो एहसान उसका अपनी जगह एहसान का बदला एहसान है जैसे मैं उस मैं जब मोहताज था तो उसने मुझे तकालीफ से बचाया जिस मामले में वो खुद को था खुद मुख्तारा उसने मुझे उन मामलात में बचाया मेरी मदद की मेरे ऊपर एहसान किया मैं उसका मोहताज है बिल्कुल इसी तरह जिस मामले में मैं खुद मोहताज हूं मैं खुद गवील हूं और वो मेरा मोहताज है तो मैं जो उसने मेरे ऊपर एहसान किया तो उसका बदला उसे लुटाऊंगा मैं उसी तरह उसे बचाऊंगा जैसे उसने मुझे बचपन में बचाया था जैसे उसने मुझे बचपन से मैं समझता था, था उसमें मेरे लिए फायदा है जिसमें मैं अपने लिए फायदा समझता था मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ता था लेकिन ये समझदार था इसने मुझे मुझे उनसे बचाता था तो जैसे बचपन ने इसने मुझे आग से बचाया नुकसान से बचाया बिल्कुल इसी तरह आज मैं जिनको यह अपने लिए फायदा मंद समझ रहा है लेकिन इसमें इतना ये इसको समझ नहीं है ठीक है ना ये ना समझी में उनके पीछे जा रहा है हालांकि वह हकीकत में आग है उसमें तबाही है हलाकत है नुकसान है तो मैं जैसे बचपन इसने मेरे ऊपर एहसान किया था इसने मुझे बचाया था बिल्कुल उसी तरह मैं इसको बचाऊंगा तो इब्राहिम ने क्या किया इब्राहिम ने सबसे पहले उसी दीन के ऊपर नजर ऐसानी की जिस दीन पर अपने बड़ों को पाया जब गौर फिक्र किया तो पता चला ये तो बातिल है तो इब्राहिम ने कोई परवाह नहीं की लात मार दी उसके बाद इब्राहिम ने यानी कि गौर फिक्र करना शुरू कर दिया करते 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 पता चला सारे के सारे फिरके गलत हैं सब के सब भी बातिल हैं गुमराह हैं हर कोई उसी को हक कह रहा है जिस पर उसने अपने बड़ों को पाया इब्राहिम ने कहा कि मुझे आज इस वक्त दुनिया में लाया गया है अगर मैंने वही करना है जो हजार साल पहले किया जाता रहा अगर मैंने वही करना है जो दो हजार साल पहले या पंद्रह सौ साल पहले या चौदह साल पहले या पांच सौ साल पहले किया जा जाता रहा यहां तक सौ साल पहले जो किया जाता रहा अगर मैंने वही करना है तो मुझे आज दुनिया में क्यों लाया गया मुझे तब दुनिया में लाया जाता मुझे अगर आज दुनिया में लाया गया है तो आज इस वक्त क्या करना है इस मकसद के लिए लाया गया ठीक है मुझे आज दुनिया में लाया गया तो मैं आज पहचानूं कि आज मुझे दुनिया में लाए जाने का मकसद क्या है और मैं उसे पूरा करूं तो फिर कुरान क्या बताता है कुरान बताता है इब्राहिम हिदायत कैसे मिली इब्राहिम ने आसमानो जमीन में गौर फिक्र किया जब इब्राहिम ने आसमानो जमीन कायनात में गौर फिक्र किया तो उसके ऊपर हक खुलकर वाजे हो गया ठीक है यह है इब्राहिम की मिल्लत तो अब क्या आप इब्राहिम की मिल्लत पर चल रहे हैं या फिर आप उन्हीं फिरकों में दसे हुए हैं आप उसी पर चल रहे हैं उसे ही हक कह रहे हैं जिसके जिसको आपके बड़ू ने हक कहा बताए ना जरा ओ भाई बेशक मान लिया आपके बड़े हक पर थे बेशक वो हक पर ही क्यों ना हूं लेकिन जब आपको शौर दिया गया है तो क्यों दिया गया है आप क्यों गोरे फिक्र नहीं करते अगर हक होगा तो उसे पकड़ लीजिए अगर हक साबित हो जाए तो कहीं जाएगा उल्टा इतमान हो जाएगा लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो बातिल साबित हो जाए और आप आंखें बंद करके दगड़ 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 लगे रहे और कल को स्वाए पछतावे को कुछ ना रहे जी किसका नुकसान होगा किसी दूसरे का नुकसान होगा इब्राहिम की मिल्ल क्या है इब्राहिम की मिल्ल यह है कि आपको आज इस वक्त दुनिया में लाया गया है तो क्यों लाया गया है इसलिए नहीं कि जो आपके बड़े करते रहे आपने वो करना है जिस पर आपने अपने बड़ों को पाया वो करना है नहीं आज इस वक्त आपको दुनिया में लाया गया तो इस वक्त आपने देखना है कि इस वक्त क्या कुतब है इस वक्त क्या करना है इस वक्त मेरी जिम्मेदारी क्या है